बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कुलुसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय की पहली आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। अब हम विश्वास के द्वारा उन बातों को हमारे जीवन में लागू करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम करते हैं, आमीन। तीसरे अध्याय की पहली आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरे अध्याय के अंदर पौलुस ने हमें याद दिलाया था कि मसीह के साथ हम बपतिस्मे में गाड़े गए हैं और जब हम बपतिस्मे के बाहर आते हैं तब हम नए जीवन की सी चाल चलने के लिए ठहराए गए हैं। और वहां पर पौलुस जी उठने की बात हमसे कहता है। वही बात को दोहराते हुए पौलुस 3:1 में हमसे कह रहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पाप में मुर्दे थे, तुमने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, बपतिस्मे के पानी में तुम उतरे, बाहर निकले, अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। अब चूंकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो देखिए क्या लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पिछले अध्याय के अंदर उसने पृथ्वीक बातों के बारे में हमें कहा था। ये जो भ्रमणकारी शिक्षक हैं वे लोग पृथ्वी की बातें, मनगढ़ंत बातें, परंपरा की बातें, मनुष्यों की बातों को वे लोग कहते हैं, सिखाते हैं, ऐसा पौलुस ने कहा था। इसके विपरीत पौलुस अब कह रहा है स्वर्गीय वस्तुओं की, उन बातों की जो स्वर्ग में है उनकी खोज में रहो, खोज में रहो। मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, ढूंढो, खोजो, संसारिक बातों को नहीं, परंपराओं को नहीं, लेकिन स्वर्गीय अर्थात आत्मिक बातों को, ऐसी बातें जो स्वर्ग में हैं उनको तुम खोजो, ऐसा लिखा है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्ग में मसीह विद्यमान है और वह पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। पौलुस कह रहा है कुलुसी के विश्वासियों को, स्वर्गीय बातों को खोजो जहां मसीह है, अर्थात संसारिक नहीं, लोगों की नहीं, किसने कहा वो नहीं, मसीह की बातों को खोजो, मसीह को खोजो जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दाहिनी ओर बैठना अधिकार को दर्शाता है, प्रतिष्ठा को दर्शाता है और उतना ही नहीं परमेश्वर से उसके संबंध को दर्शाता है। कहां बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु बैठा है। दूसरी आयत में भी यही बात को अन्य शब्दों में पौलुस पेश करेगा। देखिए, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, दूसरे अध्याय में उसने कह दिया था, एक बार और कह रहा है, पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान मत लगाओ, इसके विपरीत स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहले उसने कहा था स्वर्गीय वस्तुओं को खोजो, अब वो कह रहा है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, न केवल खोजो और मिल जाए तो भूल जाओ, परंतु सोचते रहो, ध्यान लगाते रहो, क्योंकि स्वर्गीय बातों में ध्यान लगाओगे तो पृथ्वी बातों पर आपको ध्यान लगाने का समय नहीं मिलेगा और आप आशीषमय जीवन को इस पृथ्वी पर बिता सकेंगे। एक बार और दूसरी आयत, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहले खोजो बोला, अब लिख रहा है ध्यान लगाओ। तीसरी आयत, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। पौलुस अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर कह रहा है, जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया था उस दिन तुम संसार के लिए और संसारिक बातों के लिए तुम मर गए। दूसरे अध्याय की 20 आयत में भी यही बात उसने हमसे कही थी, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। तीसरे अध्याय की तीसरी आयत में वही बात एक बार और कह रहा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन कैसा है, देखिए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम मर गए
लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं मरा है। शारीरिक अभिलाषाओं के विषय में तुम मर गए, सांसारिक बातों के विषय में तुम मर गए, लेकिन आत्मिक बातों के लिए तुम जीवित हो, पौलुस कह रहा है। एक बार और, तुम तो मर गए इन सारी अभिलाषाओं के लिए, बातों के लिए तुम मर गए, और तुम्हारा जीवन इन बातों के लिए तुम मर गए, इसलिए तुम्हारा जीवन, देखिए तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, खतरे से छिपा हुआ है, पाप से छिपा हुआ है, परेशानी से छिपा हुआ है, हर मुसीबत से छिपा हुआ है। भजन 27 की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। भजन 27 के 5 में देखिए क्या लिखा है। भजनकार इस छिपने के विषय में एक बात को हम को सिखाता है। भजन 27 का 5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब देखिए चौथी आयत, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अभी तुम मसीह में छिपे हुए हो, अभी तुम मसीह के अंदर हो, अभी तुम सुरक्षित हो, लेकिन जब मसीह प्रकट होगा तब तुम भी प्रकट किए जाओगे। हमेशा तुम गुप्त में नहीं रहोगे, हमेशा तुम छिपे नहीं रहोगे, तुम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। देखिए एक बार और, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, कब प्रकट होगा? बादलों पर जल्दी और जरूर प्रकट होगा। जब वो प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज आप निर्बल हो, आज आपके पास संसाधन नहीं है, आज आपके पास ताकत नहीं है, आज आपकी आवाज पहुंच नहीं पाती, आज आप कहते हैं कोई मेरे लिए नहीं है। यदि आप मसीह में हैं और मसीह में आप छिपे हुए हैं तो आप हमेशा छिपे नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा जब मसीह प्रकट होगा, चूंकि आप मसीह में हैं आप भी प्रकट होंगे। और कैसे? निर्बलता में, निर्धनता में, निराशा में, अन्य बातों में नहीं, लेकिन महिमा सहित आप प्रकट किए जाओगे। इस अध्याय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 से 4 तक एक नई मानसिकता के बारे में पौलुस कह रहा है और इसको हमने देख लिया है, लेकिन 5वीं आयत से 17वीं आयत तक एक नई विचारधारा को अपनाने के लिए पौलुस कुलिसी के विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है। और फिर उसके बाद 18 से 25 तक न केवल मानसिकता या विचारधारा पर एक नई जीवन शैली अपनाने के लिए भी पौलुस प्रोत्साहित करेगा। चलिए 5वीं आयत, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। पहले कहा तुम मसीह में मर गए हो, फिर भी कह रहा है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी बातों पर मन लगाने वाली बातों को मानो तुम स्विच ऑफ कर दो, उन्हें मार डालो। अब वास्तविक रूप में मारने की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसको तुम निष्क्रिय कर दो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी बातों पर जो मन लगाते हैं। अब देखिए क्या क्या कहेगा वो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 5 पापों को यहां पर वो प्रस्तुत कर रहा है। क्या क्या है वे? व्यभिचार। इनकी परिभाषा मैं आपको देना नहीं चाहता, मैं अनुमान लगाता हूं आपको ये बातें मालूम है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये 5ों पाप लैंगिक बातों से जुड़े हुए हैं। शरीर अभिलाषाओं से घिरा रहता है, शरीर अभिलाषा में फंसना चाहता है और फंसकर पाप को पैदा करना चाहता है। पौलुस इसी के बारे में चेतावनी देते हुए कह रहा है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 6वीं आयत, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। कई बार पौलुस अपनी पत्रियों में परमेश्वर के कोप को प्रकट होते हुए दिखाता है और कई बार वह कहता है प्रकट होगा, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा। पौलुस की पत्रियों के अंदर यह तनाव आपको बार बार देखने को मिलेगा, अभी है लेकिन आने वाला है, उद्धार प्राप्त हो गया है लेकिन उद्धार पूरा पूरा आपको भविष्य में मिलेगा, अभी संघर्ष है लेकिन भविष्य में आनंद मिलेगा। यहां पर देखिए, अभी परमेश्वर का कोप प्रकट हो रहा है परंतु भविष्य में और भी परमेश्वर का कोप प्रकट होगा। ये तनाव अभी
और आने वाले दिन वर्तमान और भविष्य के बीच में एक मसीही जन जीवित रहता है, उसके लिए भविष्य बहुत दूर की बात नहीं है, उसके लिए भविष्य बहुत ही निकट है, क्योंकि वो मसीह में है। इसलिए यहाँ देखिए, इन्हीं के कारण जो पांच बातें बताई, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। 7, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब तुम मसीह में मर गए हो, लेकिन पहले तुम मुर्दा थे और इन्हीं के अनुसार तुम चलते थे। अब मत चलो। सकारात्मक रूप में पौलुस उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है और कह रहा है, इन पांच बातों पर ध्यान मत लगाओ, मत लगाओ। अब देखिए, पर अब 8वीं आयत, तुम भी इन सब को, फिर से एक सूची प्रस्तुत करेगा, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात पांच बातें, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। पहले बोला पांच बातों की ओर ध्यान लगाना छोड़ो, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। अब 8 आयत में कह रहा, अब तुम भी इन सब को, अर्थात कौन कौन सी, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अब 9वीं आयत में देखिए, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पांच बातों को कहने के बाद, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो, ये कहने के बाद पौलुस कह रहा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुम नए लोग हो, तुम नया समुदाय हो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। दिन भर के काम के बाद एक व्यक्ति जैसे अपने कपड़ों को उतारता है, पुराने कामों को उतार डाला है, तुम भी अपने इस पुराने चरित्र को, पुराने स्वभाव को, पुराने आदतों को, पुराने कामों को, कार्यों को, इच्छाओं को, अभिलाषा को उतार डालो। और जब तुम उतार डालोगे, कुछ नया पहनना भी पड़ेगा, उसके बारे में पौलुस आगे हमसे कहेगा। एक बार और 9वीं आयत, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। 10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, पाप प्रवेश करता है और उस स्वरूप को बिगाड़ देता है, कुरूप बना देता है, लेकिन मसीह में आने के बाद हमें फिर से एक नई पहचान मिलती है, हम फिर से नए स्वरूप में ढाले जाते हैं। और पौलुस इसी बात को कह रहा है, और नए मनुष्यत्व को तुमने पहन लिया, तुमने पुरानी बातों को उतार दिया, पुरानी आदतों को उतार दिया, अब नए मनुष्यत्व को तुमने पहन लिया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। एकदम नया नहीं बन जाता, एकदम परमेश्वर के समान नहीं बन जाता, एकदम यीशु मसीह की बातों को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, पर खूबसूरत तरीके से लिखा है, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जैसे जैसे आप प्रभु के पीछे चलते हैं, वैसे वैसे आपका स्वभाव बदलता जाता है, और जैसे जैसे बदलता जाता है, उतना परमेश्वर का स्वरूप आपके अंदर दिखने लगता है। 11, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। जब नया मनुष्यत्व बन जाता है, एक नया समुदाय तैयार हो जाता है, जब व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ खत्म हो जाते हैं, जब लोग आपस में झूठ बोलना छोड़ देते हैं, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना छोड़ देते हैं, और जब पुरानी बातों को उतार कर नए मनुष्यत्व को वे पहन लेते हैं, तो एक नया समाज खड़ा होता है, एक नया समुदाय खड़ा होता है, और इस समुदाय के अंदर सारी दीवारें गिरा दी गई हैं। और जब गिरा दी गई, तो देखिए, न यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती। ये जंगली कौन है? बारबेरियंस इंग्लिश में से आया है। उनकी भाषा के कारण यूनानी लोग एक विशेष समुदाय के लोगों को जंगली कहते थे, कि उनकी भाषा शैली उनसे मेल नहीं खाती थी, इसलिए न जंगली, न स्कूती। स्कूती एक क्षेत्र का नाम है, वहां के लोग भी अपनी असभ्यता के लिए जाने जाते थे। एक बार और,
और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। 11, उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना न खतना रहित, न जंगली न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। गुलामी की प्रथा चरम पर थी उस समय पर, गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। लेकिन पौलुस कह रहा है जब मसीह आ गया, जब मसीह ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया तो गुलाम गुलाम नहीं रहा, स्वामी स्वामी नहीं रहा, सब बराबर हो गए। और अब देखिए आखिरी बात, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। न यहूदी न यूनानी, न दास न स्वतंत्र, न जंगली न स्कूती, न खतना रहित न खतना वाले, सब कौन हो गए? सब कुछ मसीह है और सब में मसीह है। मेरे साथ बोलिए, सब कुछ मसीह है और सब में मसीह है। दूसरे अध्याय की तीसरी आयत में पौलुस ने कहा था, यीशु में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। 2:9 में उसने कहा, यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अब यहां पर देखिए 3:11 की आखिरी लाइन में, मसीह सब कुछ और सब में है। बार बार मसीह 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 शब्द आया है। पौलुस यीशु मसीह को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और पर्याप्त प्रस्तुत कर रहा है। 12 आयत, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। अब नकारात्मक बातों की सूची प्रस्तुत करने के बाद अब पौलुस सकारात्मक सूची प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। चुने हुए, पवित्र और प्रिय, नया आइडेंटिटी दे रहा है, नई पहचान लोगों को पौलुस दे रहा है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। पहले कहा था नए मनुष्यत्व को तुमने पहन लिया है, अब पौलुस उन्हीं समाज को उन्हीं समुदाय को संबोधित करते हुए कह रहा है, तुम चुने हुए हो, तुम पवित्र हो और तुम प्रिय हो। यहूदा की पत्री उसके पहली आयत के अंदर यही बात हमको देखने को मिलती है। यहूदा की पत्री 1 अध्याय है, इसलिए पहली आयत ही हम देखेंगे। वहां लिखा है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। यहां लिखा है, चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। अब 5 बातों की सकारात्मक सूची देखिए, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये सांसारिक बातें, ये पृथ्वी की ओर ले जाने वाली बातों को छोड़ो, नया मनुष्यत्व धारण करो और ये 5 बातें जीवन से प्रस्तुत करो। कौन सी बातें? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। यहां दीनता आया है। 2 अध्याय में उसने आत्महीनता कहा था, दिखावे की दीनता के खिलाफ था पौलुस, लेकिन यहां कह रहा है दीनता तो स्वभाव है, बनता है। और ये सारी बातें जो सकारात्मक हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमें दिखती हैं और प्रभु यीशु मसीह से ही हमें सीखनी है। कौन सी है वे बातें? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। 13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहलो। दोष देने का कारण है, वाजिब कारण है तुम्हारे पास, बहुत अच्छा। पौलुस कह रहा है मैं भी सहमत हूं, लेकिन एक दूसरे की सहलो। इतना ही नहीं, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। केवल सहलो इतना ही नहीं, अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। 5 अच्छे काम करो, इतना ही नहीं, एक दूसरे की सहलो। इतना ही नहीं, सहने के बाद एक दूसरे को क्षमा करो। और क्षमा करने की सीमा कैसी? जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। 2:13 में भी क्षमा शब्द आया था, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया किसने? यीशु मसीह ने। अब पौलुस हमसे कह रहा है, कुलुसी के विश्वासियों से कह रहा है, जैसे मसीह ने क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। 14 इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। 5 काम करो, सहो, क्षमा करो, लेकिन सब के ऊपर, जैसे आप एक खूबसूरत गिफ्ट का पैकेट बनाएं और उसके अंदर सारी चीजें डाल दें और उसको आप फिर ऊपर एक रिबन से बांधें, पॉलिश करें, वो रिबन
प्रेम है। वस्त्र के ऊपर आपने खूबसूरत वस्त्र पहन लिए, कटिबंध प्रेम है, उसको जो संभाले रखेगा वो प्रेम है। पौलुस कह रहा है इन सब के ऊपर, इन पांचों काम के ऊपर, सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। और जब तुम ये करोगे तो देखिए 15वीं आयत में क्या लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब तुम ये काम करोगे और जब प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है तुम बांध लोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर क्या होगा मालूम, मसीह की शांति आ जाएगी। और यहां पर पौलुस एक शब्द का प्रयोग कर रहा है, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आपको समझाने के लिए मैं बोलूंगा, एक गेम में जैसे अंपायर होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, अंपायर होता है, अंपायर बोलता है सही है गलत है, अंपायर डिसाइड करता है क्या कर क्या होगा। उसी प्रकार पौलुस कहता है तुम्हारे जीवन में मसीह की शांति अंपायर का काम करेगी। जब तुम्हें अशांत हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा ये मसीह को पसंद नहीं है और तुम उसे नहीं करोगे, और जब शांति आएगी तुम्हें समझ में आ जाएगा यस ये प्रभु की ओर से है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे क्योंकि तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हें एक होने के लिए बुलाए गए। पहला पत्रस पहले अध्याय के अंदर 14वीं आयत में तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 9 आयत में उसके सद्गुणों को वर्णन करने के लिए बुलाए गए। एक और जगह पहला पत्रस में लिखा है तुम दुख उठाने के लिए बुलाए गए। बहुत कामों के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, लेकिन यहाँ लिखा है तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। और जब तुम ऐसा समझोगे करोगे तो मसीह की शांति तुम्हारे हृदय के अंदर एक अंपायर का काम करेगी, और जब ऐसा होगा तब तुम धन्यवादी बने रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। 1:12 के अंदर पौलुस ने सबसे पहले ये बात कही थी, और पिता का धन्यवाद करते रहो। बार बार इस पत्री के अंदर पौलुस कह रहा है धन्यवाद करते रहो। जितना धन्यवाद दोगे उतना मसीह में तुम मजबूत होते जाओगे, दृढ़ होते जाओगे, तुम्हारी जड़ें मजबूत होती जाएगी। और यहाँ पर शांति के साथ धन्यवाद को जोड़ते हुए वो कह रहा है मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो। 16वीं आयत, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को, मसीह के वचन को, लोगों की बातों के नहीं, मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, देखना 3 बातों को पौलुस आगे कह रहा है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। सिखाओ, चिताओ और गाओ, ये मसीही समुदाय की परिभाषा है। जब लोग एकत्रित होते हैं, एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं, मसीह की शांति वहाँ पर व्याप्त है, लोग प्रेम में गठे हुए हैं, बढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं वहाँ पर वचन सिखाया जा रहा है, गलतियों के विषय में लोगों को चिताया जा रहा है, और फिर लोग आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया कर रहे हैं। 17वीं आयत, वचन में या काम में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। इस पूरे पद्यांश को खत्म करते हुए पौलुस एक सारांश वाक्य प्रस्तुत कर रहा है, क्या है वो, वचन में या काम में, अर्थात पूरे जीवन में, वचन में या काम में। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर 19 आयत में भी ये प्रयोग आया है, वचन में और काम में। देखते हैं अपन लूका 24 का 19। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें, उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। कुछ लोग बोलने में तेज होते हैं, उनका जीवन उनके शब्दों के बराबर नहीं होता। कुछ लोग कार्यों में तेज होते हैं, वो बोल नहीं पाते, लेकिन पौलुस कह रहा है वचन में या काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। फिर बात आ गई धन्यवाद करो,
प्रभु यीशु। शुरू से लेकर अंत तक इस पत्री के अंदर आपको प्रभु यीशु मसीह का नाम मिलेगा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, वचन में या काम में। कुछ बोलो तो प्रभु यीशु, कुछ करो तो प्रभु यीशु। मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। और जब ऐसा होगा और जब तुम मिलोगे आपस में, तो एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, गीतों को गाओ और जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो, ताकि पिता परमेश्वर की महिमा होती रहे और तुम्हारे द्वारा उसका धन्यवाद भी हमेशा होता रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।